नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। तोड़ के हर पिंजरा, जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख लगा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में मैं अपनी जगह बनाऊंगी। मुझे गर्व है मैं नारी हूं। धनबल और बाहुबल के दौर में यूपी के बहराइच जिले की रहने वाली गीता देवी को जनादेश मिला है। बहराइच के पयागपुर ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उन्हें क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि पति मनरेगा में मजदूर है और पत्नी को क्षेत्र पंचायत प्रमुख का ताज मिल गया। अब गीता देवी का एक ही लक्ष्य है कि सबसे पिछड़े इलाकों में सड़कों का जाल बिछाकर लोगों के लिए विकास के रास्ते खोलने। बेलवा पदुम गांव की रहने वाली गीता देवी के पति पवन कुमार मनरेगा जॉब कार्ड धारक है। अनुसूचित जाति के पवन कुमार मजदूरी और थोड़ी सी खेती पर गुजर बसर करते हैं। संयोग से ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। फिर बीजेपी ने अनुसूचित वर्ग की शिक्षित और पार्टी के प्रति निष्ठावान महिला कार्यकर्ता की तलाश शुरू की तो 40 साल की गीता देवी का नाम आगे आया। फिर क्या था, पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहां एक और उम्मीदवार कुसुमा देवी मैदान में थी, लेकिन उन्हें मैदान से हटाकर निर्विरोध प्रमुख बनाने में जिला पंचायत सदस्यों और स्थानीय विधायक सुभाष त्रिपाठी ने अहम भूमिका निभाई। अब प्रमुख निर्वाचित गीता देवी बीजेपी के सिद्धांत सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। उन्होंने जीत के लिए जिला पंचायत सदस्यों को शुक्रिया कहा है। गीता देवी के मुताबिक वो गांव की गलियों, गटर और स्कूलों को बेहतर बनवाएंगी। गीता देवी बेहद गरीब परिवार से हैं, उनका घर कुछ पक्का तो कुछ टीन शेड का है। ऐसे में उनके लिए ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी का सपना देखना भी मुश्किल था। गीता देवी भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन वो शिक्षित है। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। जब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी और चुनाव जीत गईं। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि नए उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति का सशक्तिकरण, एक मनरेगा मजदूर की पत्नी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हो गई, यही है लोकतंत्र की सुंदरता। जीविका के लिए खेती और मजदूरी पर निर्भर श्रीमती गीता जी पहली बार बनी थी क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के चलते बेलवा पदुम कमाल 17 सीट अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित हो गई थी। गीता देवी का मन हुआ कि वो बीडीसी का चुनाव लड़े। लोगों ने भी उन पर भरोसा जताया और उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने बीडीसी के लिए अकेले नामांकन पत्र भरा और निर्विरोध जीत गई। फिर बारी आई क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुनाव की। बीजेपी उम्मीदवार की तलाश कर रही थी और नाम आया गीता देवी का। फिर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उन पर भरोसा जताया, निर्विरोध चुनाव जिता दिया। अब मनरेगा में काम करने वाले पवन कुमार की पत्नी क्षेत्र पंचायत प्रमुख है। सपना है कि इलाके का विकास करें, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को आगे लेकर आए, सबका साथ सबका विकास की राह पर चले। खैर, अब देखना होगा कि गीता देवी लोगों के भरोसे पर कितनी खरी उतरती हैं। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।